सो वेलकम बैक टू फ्री एरा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। तो आज की हमारी पहली अपडेट है UK07 राइडर के बारे में। तो बाबू भाई अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी अपलोड किए जहाँ पर बताया कि वो अभी के टाइम पर दुबई में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर बाबू भैया ये बताया कि सनी लियोनी भी दुबई के अंदर में है, तो वो चाहते कि उनसे मिले, तो इसलिए यहाँ पर अपने सारे व्यूअर्स से कहे कि जाके उनके प्रोफाइल पे जाके स्पैम कर दो ताकि वो बाबू भैया से मिल ले। गाइस मैं ना दुबई पहुंच चुका था और सनी लियोनी दीदी भी ना दुबई में, तो यहाँ पर ना टैग कर रहा हूँ, जाओ जितनी भी लोग ये स्टोरी देख रहे हैं ना स्पैम कर दो कि बाबू भैया से मिल लो और क्या पता गाइस हम लोग मिल ही लें। स्पैम कर दो गाइस, बस स्पैम हो जाना चाहिए, कमेंट सेक्शन इनबॉक्स स्टोरी स्पैम कर दो। सनी लियोनी दीदी अगर आप ये स्टोरी देख रही हो तो फिर प्लीज मिलते हैं, यू आर माई ड्रीम, सपना है आपसे मिलने का। और इसके बाद में UK07 राइडर के जितने भी फैन लोग थे वो वहाँ पर स्पैम करना स्टार्ट कर दिए, जिसके रिगार्डिंग वो कुछ स्क्रीनशॉट भी शेयर किए। तो आप में से कौन कौन चाहते हो कि बाबू भैया यानी कि UK07 राइडर के व्लॉग के अंदर में आपको सनी लियोनी देखने को मिले, तो जो भी बाबू भैया के फैन हो कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए हमारी अगली अपडेट के बारे में बात करें जो कि है पीपोय वर्सेज पायल जोन के बारे में। तो पीपोय अपने ट्विटर के ऊपर में यूट्यूब इंडिया को टैग करते हुए ये बताया कि पायल जोन नाम से एक यूट्यूब चैनल है जिनके 2,45,000 सब्सक्राइबर है और वो अपने चैनल के ऊपर में मिस इन्फॉर्मेशन फैला रही है, मतलब ये गलत गलत चीजें कह रही है लोगों के बारे में। जैसे कि आपने पायल जोन के चैनल पर देखा होगा वहाँ पर कितनी मिसलीडिंग वीडियोस होती हैं। और इसके ऊपर में यूट्यूब ने रिप्लाई भी किया लेकिन एक बोट रिप्लाई था यहाँ पर, और इसके ऊपर में खतरनाक किसान रोनी को टैग करते हुए कहे कि इसको स्ट्राइक मिलके देना चाहिए था, मतलब कि मल्टीपल स्ट्राइक देना चाहिए था जिससे कि वो वीडियो अपलोड कर ही ना पाए। तो चलिए हमारी अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं जो कि विराट कोहली जडेजा और शाहरुख खान के बारे में। तो रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुई थी विराट कोहली एंड जडेजा की जहाँ पर वो डांस कर रहे थे झूमे जो पठान पर, और इसके ऊपर में रिप्लाई करते हुए शाहरुख खान ये कहे कि ये दोनों मेरे से भी ज्यादा अच्छा डांस कर रहे हैं और इनसे डांस सीखने की उनको जरूरत है। तो चलिए हमारी अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं जो कि है एमसी स्टैन के बारे में। तो एमसी स्टैन रिप्लाई किए अपने हेटर्स को, जो लोग उनसे जलते हैं और ये बोलते हैं कि वो डिजर्व नहीं करते जीतना, उनके बारे में रिप्लाई करते हुए यहाँ पर एमसी स्टैन कुछ ये कहे। और कुछ लोग ऑफ कोर्स ट्रोल भी कर रहे हैं कि आप डिजर्विंग नहीं थे, उनको क्या बोलना चाहोगे? मतलब मेरे को पसंद है जलने वाले, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि इंसान में जेलेसी नेचुरल है, सिर्फ वो अपने दिल को समझाने का रहता है कि वो उसकी चीज़ है, मेरे लिए कुछ अलग बना, समझ रहे ना? मतलब ये जेलेसी का शॉर्ट है, इंसान में नेचुरल है जेलेसी। पर तो चलिए हमारी अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में। तो अभी के टाइम पर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है जहां पर पानी के अंदर में सबसे ज्यादा टाइम तक किस किया गया है। तो इस रिकॉर्ड को क्रिएट करने वाले एक साउथ अफ्रीका एंड कनाडा से थे जिन्होंने पानी के अंदर में लगभग 4 मिनट और 6 सेकंड तक एक दूसरे को किस किया, और इससे पहले का जो रिकॉर्ड था उसकी टाइमिंग थी 3 मिनट और 24 सेकंड जो कि 13 साल पहले बना था। तो गाइज आप इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे, अपने ओपिनियन बता सकते हो। तो चलिए हमारी अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं जो कि अमित भड़ाना के बारे में। तो जैसे कि आपने काफी बार देखा होगा जब भी कोई सेलिब्रिटी अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट अपलोड करते हैं उसके नीचे में काफी सारे स्पैम कमेंट होते हैं, तो इन्हीं में से एक का अमित भड़ाना काफी सेविज रिप्लाई किए। तो उनकी पोस्ट के नीचे में एक फेक आईडी से कमेंट था आज अकेली हूँ मैं, और इस पर अमित भड़ाना रिप्लाई किए तो जाओ बर्तन मांज लो। तो चलिए हमारी अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं जो कि है सारा तेंदुलकर और शुभम गिल के बारे में। तो जैसे कि आपने रिसेंट टाइम में सुना होगा शुभमन गिल और सारा तेंदुलकर रिलेशनशिप में थे लेकिन दोनों की तरफ से कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई थी, तो इसी से एक चीज सामने आई जहाँ पर दिखाया जा रहा है कि दोनों ने अपने अपने इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट किए जहाँ पर उनका जो बैकग्राउंड है मतलब कि जो सेम रेस्टोरेंट में वो बैठे हुए हैं, और एक बार फिर से यहाँ पर चर्चा होना स्टार्ट हो गया कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। बाकी आपको इस पे क्या लगता है अपने ओपिनियन कमेंट में बता सकते हो। तो चलिए हमारी अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं जो कि है तन्मय भट्ट के बारे में। कोटा महिंद्रा बैंक ने जो अपना एड निकाला था जहाँ पर बताए थे वो ब्रांड एम्बेसडर बनाने वाले तन्मय भट्ट को, और उसके बाद में तन्मय भट्ट से रिलेटेड कुछ ट्वीट सामने आए थे जहाँ पर वो बच्चों को लेकर कुछ गलत चीजें बोले थे। देन उसके बाद में अभी कोटक महिंद्रा बैंक ने अपना एड वापस ले लिया है और यहाँ पे उन्होंने रिप्लाई किया कि वो ऐसे कोई भी ट्वीट का सपोर्ट नहीं करते। तो चलिए हमारी अगली अपडेट के बारे में बात ले जो कि हार्दिक पांड्या के बारे में। तो फाइनली हार्दिक पांड्या ने अपनी शादी कर ली है जी हाँ, पूरे रीति रिवाजों के साथ में। 2 साल पहले उन्होंने कोर्ट मैरिज की थी लेकिन अभी उन्होंने फाइनली पूरे रीति रिवाजों के साथ में शादी कर ली है। सो मैनी कांग्रेचुलेशन हार्दिक पांड्या को।